रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आई एम वेरी वेरी सॉरी विजय जी, नो किया, अब नहीं करना चाहिए था। रिकी कैसा है? वो ठीक है मॉम। आपका पैर कैसा है? बेटर, थैंक यू। रिकी घर पे है? गुड। मैं रिकी से मिलने जा रही हूँ। मॉम, मैं भी आप लोगों के साथ चल। अरे तुम्हारे पाँव। हाँ वो अभी बेटर है, मैं चलती हूँ। मत लो और तकलीफ बढ़ जाएगी। नहीं मॉम, मैं चलती हूँ ना आप दोनों के साथ। इट्स ऑल राइट, हम हैंडल कर लेंगे, तुम आराम करो। मॉम बस यही बताने आई थी आपको कि ऋत्विक के नाइटमेयर्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। हमें ना उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कल रात को उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी मॉम के नाइटमेयर्स क्या उनका साया तक उस पर नहीं पड़ना चाहिए। थैंक गॉड दैट लेडी इज आउट ऑफ हिज लाइफ। क्या करें मॉम? आई हैव एन आइडिया। एक हॉलीडे पे चले जाओ। तुम लोग हनीमून पर नहीं गए और मैंने तुम्हें कुछ गिफ्ट भी नहीं किया। दैट विल बी नाइस। नहीं थैंक यू मॉम, पर आई डोंट थिंक हमें अभी जाना चाहिए। मॉम मुझे लगता है कि ऋतिक के पास कोई जॉब नहीं है ना, इसलिए सब कुछ हो रहा है। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। और वो फैमिली से भी दूर है, आपसे और डैड से दूर है, शायद इसलिए नाइटमेयर्स और भी बढ़ गए हैं। यू डोंट वरी, आई एम विद यू इन दिस। फोन बज रहा है, किसका फोन है? मॉम वो मेरे बॉस हैं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, पर ऋत्विक उसको। तुम एक काम करो, तुम जाओ ऑफिस, मैं रिकी के पास जाती हूँ। वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रही? आई डोंट नो मॉम, शायद उसके घर पे जो कुछ हुआ उसकी वजह से टेंशन में होगी। यू नो व्हाट मॉम, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे। ऐसे पैनिक करोगे, एंटी एंग्जायटी पिल्स लोगे तो कैसे चलेगा? ये गेम अभी स्टार्ट हुआ। आई एम जस्ट पैनिकिंग। Mom, deep breathing करो, it will help you. तू कहाँ जा रहा है? Mom, इस सब की वजह से नव्या से बात नहीं कर पाया हूँ। I need some time with her. बैठे। जी, आज इतनी देर से क्यों आई हो? मुझे लगता है कि हमें चीज़ें प्रोफेशनल रखनी चाहिए। आप मुझे घर पे काम करने के लिए क्यों बुलाती हैं? आई वुड लाइक टू वर्क फ्रॉम ऑफिस। तुम ऑफिस में भी नहीं थी? मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है। अब सीट प्लीज। क्या हुआ? कल तुम्हारे घर पे पार्टी थी ना? सुना तुम्हारे फादर इन लॉ ने सब खराब कर दी। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तुम्हें हेट करते हैं क्यों? उनकी वाइफ गोल्ड डिगर थी, उनकी पहली वाइफ, शी वाज अ गोल्ड डिगर। कई साल पहले उन्हें अकेला छोड़ के चली गई, दोनों को अकेला। 8 साल के ऋत्विक को शी जस्ट लेफ्ट पैसों के लिए। इमेजिन कितना छोटा दिल होगा उस इंसान का।